हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ताजे नारियल के लड्डू। ताजे नारियल के लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नारियल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कच्चा नारियल लिया है। इस नारियल के मैंने बड़े बड़े टुकड़े किए हैं क्योंकि मैं इन्हें ग्रेट करने वाली हूँ। सबसे पहले हम नारियल का जो ये काला भाग है, हम उसे छिलकर अलग कर लेंगे। मैंने नारियल को छिलकर ग्रेट कर लिया है। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर पर भी दरदरा सा पीस सकते हैं, पर अगर आपने इसे चिकना पीस दिया तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमने नारियल को ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी जैसे ही हल्का गर्म होता है, हम इसमें अपना ये किसा हुआ नारियल डाल देंगे। वैसे तो कच्चे नारियल के लड्डू में घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर थोड़ा सा घी डाल देंगे तो क्या होगा, लड्डू का फ्लेवर बढ़ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा, टेस्टी लड्डू बनेंगे। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, हल्का सा ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो इसका कलर जल्दी चेंज हो जाएगा और लड्डू सफ़ेद नहीं बनेंगे। तो अब नारियल से हल्की सी खुशबू आ रही है और थोड़ी थोड़ी सी ये ड्राई भी हो गई है। तो इस वक्त हम यहाँ पे शक्कर ऐड कर देते हैं। तो शक्कर मैंने यहाँ पे लगभग 150 ग्राम लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो शक्कर की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अगर कम मीठा खाते हैं तो शक्कर कम भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस वक्त इसमें दूध भी डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये लड्डू ऐसे भी अच्छे लगते हैं। शक्कर डालने की वजह से इसमें हल्का सा पानी छूटने लगता है, तो इस पानी को हमें हल्का सा सुखा लेना है। और यहाँ भी मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है, तो इसे मैंने 2-3 मिनट और भून लिया है। अब इसमें हम ये 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ लोगों को इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे हम ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और हल्का सा इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म ही रखना है। तो चलिए अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। इसे अच्छे से दबा दबा के बांधें। आपको जिस साइज़ के लड्डू बनाने हैं उस साइज़ के आप बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। नारियल के मिक्सचर को ज़्यादा ठंडा ना करें, वरना आप लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएंगे, वो टूटने लगेंगे। तो ये मैंने पहला लड्डू तैयार कर लिया है और इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बांध लेंगे। इसे आप किसी भी त्यौहार में या ऐसे ही कभी भी बनाएं, ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। ये नारियल के लड्डू बनकर रेडी हैं। तो आपको मेरे नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।